हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड बेंजोइकम के बारे में। यह सारी बातें हो रही है दोस्तों डॉक्टर एनसी घोष की पुस्तक कम्पेटिव मटेरिया मेडिका एंड थेरेप्यूटिक्स पुस्तक से। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बेंजोइक एसिड जिसका कॉमन नेम है लोहवान, उसी से यह दवा तैयार होती है दोस्तों। इसको अगर आप देखें तो इसके पेशाब में घोड़े के पेशाब की तरह कड़वी गंध आती है। अनजान में पेशाब का हो जाना, वात रोग, गठिया वात इत्यादि रोगों में यह दवा विशेष फायदा करती है। सारांश यह है कि कोई भी बीमारी क्यों न हो, अगर बदबूदार पेशाब और पेशाब में घोड़े की पेशाब की तरह कटु गंध रहने पर इसका सबसे पहले प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें ये चीज़ बहुत ही खास तौर से पाई जाती है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इस सिम्टम पे एसिड नाइट्रिकम के साथ में। दोस्तों एसिड नाइट्रिकम में जो पेशाब होती है बड़ी बहुत तेज लगने वाली होती है, लेकिन बेंजोइक एसिड के पेशाब की खास बात क्या होती है कि तेज लगने के साथ में घोड़े के पेशाब की तरह इसकी स्मेल होती है, ये इसकी खास बात है। इसके पेशाब में किसी तरह की तली या सेडिमेंट नहीं जमती है। इसके अलावा एक मेडिसिन है दोस्तों एस्पैरेगस। एस्पैरेगस के बारे में अगर बात करें तो यह मूत्राशय प्रदाह यानी सिस्टाइटिस में काम आती है। प्रोस्टेटाइटिस यानी मूत्राशय का जो मुख होता है वहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी सूजन में काम आती है, या पेशाब संबंधी किसी दूसरी बीमारी में पीब यानी पस और श्लेष्मा यानी म्यूकस निकलने के साथ पेशाब में बहुत ही तीखी गंध रहने पर और उसके साथ ही कलेजे में जलन हो, हृदय के चारों ओर दर्द इत्यादि लक्षण रहते हैं। वृद्धों के हृदय के कमजोरी के साथ बहुत थोड़ी मात्रा में अत्यंत बदबूदार पेशाब होना, बाएं कंधे और छाती में तकलीफ होना इत्यादि लक्षण रहने पर इससे विशेष लाभ होता है। यह दरअसल 6 पोटेंसी में ज़्यादातर यूज की जाती है। एक तरह के वृक्ष की नई जड़ से इसका मूल अर्क तैयार होता है। तो दोस्तों ये बात रही एस्पैरेगस के बारे में। और सुजाक या प्रमेह में यह दवा काम आती है बेंजोइक एसिड। यह दूषित धातु जिसको उपदंश विष कहते हैं उसके साथ साथ में जिनमें भी वात रोग मिल गया हो ऐसी धातु वाले मनुष्यों पर बेंजोइक एसिड की क्रिया जल्द होती है। सुजाक का मवाद आना बंद होकर यदि किसी को वात रोग हो जाए तो इससे ज़्यादा फायदा होने की संभावना रहती है। वात में कैल्शियम के बाद और सुजाक में कुपवा के बाद इसका प्रयोग होता है। यह खुली हवा में शरीर पर वस्त्र उतार देने पर इसमें इसकी तकलीफों में वृद्धि हो जाती है। और यह दवा समान है फेरामेट के साथ में, कोपाइबा के साथ में और थुजा के साथ में। यह इसकी विष क्रिया नाशक औषधि है कोपाइबा। यह 6 पोटेंसी से लेकर के 200 पोटेंसी तक यूज़ की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज बेंजोइक एसिड के बारे में। बेंजोइक एसिड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर एनसी घोष ने अपनी पुस्तक में दी हुई है अभी हमने उसी के बारे में आपसे बात किया। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलते एक नई जानकारी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।